हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो म्यूजिक सिस्टम है हमारा सोनी का AX3200, उसके फीचर्स और फंक्शन के बारे में बात करें। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेबलिंक के थ्रू यूट्यूब कैसे प्ले कर सकते हैं, साथ में गूगल मैप कैसे चला सकते हैं और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल ऑटो कैसे चला सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई सामने जो दिख रहा है ना, वो है सोनी XAV3200 म्यूजिक सिस्टम। ये 7 इंच का है, ये हमने ब्रेजा LXI में लगाया है। तो इसमें जो मेन फीचर्स है इसके बता देता हूँ, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, वो जो आपका फ़ोन है वो मिररिंग कर सकते हैं। आपको इसमें ऑटो डिमिंग मिल जाता है, जैसे आप हेडलाइट आपका ऑन होगा तो इसमें आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक्स्ट्रा बेस मिल जाता है, इक्वलाइजर मिल जाते हैं, आप स्पीकर बैलेंस कर सकते हैं कि कौन सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपका वेवलिंक कनेक्ट हो जाता है, आपका एप्पल ऑटो कार एंड्रॉयड ऑटो कार कनेक्ट हो जाता है, और आपका रिवर्स कैमरा भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें आपको फ़ोन कॉल और साउंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए आपका इसमें हम आपको होम पेज बता देते हैं। इसका जो होम पेज है इसमें देखिए रेडियो, ब्लूटूथ, फ़ोन, USB, इसमें AV और इसमें रियर कैमरा और सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो बेसिक फीचर्स हैं, जो मेनू है, वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको वेवलिंक और उसके बाद आपको मैं एंड्रॉयड ऑटो कार कैसे कनेक्ट होता है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो पहला ऑप्शन है रेडियो, तो आप जब रेडियो अगर ऑन करना चाहें तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें जो चैनल आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चैनल सिंक्रोनाइज हुआ होगा ना, तो वो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सीक करने का बटन है। तो एक बार आप सीक करेंगे तो आगे का जो चैनल है वो जो मतलब जिसमें आपको सिग्नल मिल रहा है वो आपको पकड़ लेगा और फिर वहाँ से आपका प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे देखिए ये चल रहा है रेडियो, तो आपको ये दिख रहा होगा ना FM 1, और यहाँ पे देखिए FM 2 और FM 3। तो सभी FM में आपको एक एक मतलब 6-6 चैनल हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका ब्लूटूथ का है, तो ब्लूटूथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपको इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग और फिर पेयरिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे पेयरिंग पे करेंगे तो आपके मोबाइल पे देखिए ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा, और इस XAV है देखिए, XAV पे जाना पड़ेगा तो ये कनेक्ट होगा। देखिए या इससे पहले ऑलरेडी कनेक्ट था, ये तो एक कोड मांगता था, वो कोड आप इंटर करते तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए आपका ये कनेक्ट हो गया है, दिख रहा है आपको XAV3200 इन यूज़। कनेक्ट होने के बाद आपको जो भी गाने हैं मोबाइल के यहाँ पे बजा सकते हैं। आप दूसरे ऑप्शन के लिए जाते हैं तो दूसरे ऑप्शन में देखिए आपको फ़ोन कॉल्स के, तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो आपको उसमें कॉन्टैक्ट शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। तो वो कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे ना तो देखिए इस टाइप का ऐसा आता है, कृपया थोड़ा जब आप कॉल करते हैं। यहाँ पे माइक भी दिया गया है, इसी के साथ आया है, ये इस सोनी म्यूजिक सिस्टम के साथ ही आया है। तो इसमें आपका माइक्रोफोन का काम करता है वो, तो आप जो भी बात करेंगे इससे फिर आपकी बात होती है। तो उसके बाद आपका कॉल लॉक्स भी आप देख सकते हैं फ़ोन में, और फिर आपका USB का, तो मैं आपको USB का बता देता हूँ। देखिए अगर USB ऑलरेडी है आपके पास, तो अगर आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किए होंगे तो वो USB में जाना होता है। तो USB के लिए देखते हैं ये केबल दी गई है, तो इसमें आपको ये पेन ड्राइव लगाना होता है। तो देखिए मैं आपको इसके गाने भी सुना देता हूँ, NCS म्यूजिक है इसमें पेन ड्राइव में, तो इसमें गाने सुना देता हूँ कि इसके साउंड क्वालिटी कैसी आती है। तो देखिए चलिए हम इसका म्यूजिक सुन लेते हैं कि इसका म्यूजिक कैसे साउंड आता है। तो देखिए कैसे आवाज़ आती है इसका बता देता हूँ। तो आप जब भी USB में जाएंगे ना, तो अब इसमें लिस्ट में जाना होता है अगर लिस्ट में आपको देखना है, और फिर यहाँ पे कोई भी जो म्यूजिक चालू करना है वो कर लीजिए। तो म्यूजिक सिस्टम के साथ हम लोगों ने JBL के 310 वॉट के साउंड बॉक्स लगवाए हैं। तो ये इसका ऑलरेडी हमने वीडियो में डाला है, जो हमारे एक्सेसरीज वाला जो वीडियो है उसमें हमने ऑलरेडी इसका डिटेल दिया है। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना सोनी का बहुत अच्छा है, तो आपको मैं साउंड सुना देता हूँ कि कैसा साउंड आता है। तो हम लोग म्यूजिक सिस्टम और इसका JBL का साउंड का कितना चार्ज लगा वो आपको वीडियो के एंड तक हम बता देंगे। तो पहले हम साउंड सुन लेते हैं। तो देखिए USB के साथ कैसे ये बजते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैसा साउंड आता है।
देखिए ये आपका क्वालिटी थी साउंड की, JBL हरमन का ये आपको दिख रहा होगा पैकेज की वारंटी मिल जाती है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो ग्लव बॉक्स के अंदर ही चला जाता है, तो एक ग्लव बॉक्स से आप निकाल लेते हैं जब भी आपको यूज करना है, और फिर ग्लव बॉक्स के अंदर ही आप डाल सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आपको ए बी केबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो 3.5 का रहता है केबल, वो आप लगा के यूज कर सकते हैं म्यूजिक, अगर विदाउट ब्लूटूथ आपको यूज करना है आपका फ़ोन। पूछे कि रियर कैमरा एक्सेस होता है कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आसानी से हो जाता है। इसके हमने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, और सेंटर में जो था ना, तो उन्होंने भी बोला कि आसानी से लग जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई चांस आपको अगर दिक्कत भी आती है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें आराम से एक्सेस कर सकते हैं रियर कैमरा, क्योंकि अभी इसमें लगा नहीं है रियर कैमरा, तो इस कारण ये नो वीडियो बता रहा है। बाकी अगर आप वीडियो आपका रियर कैमरा लग जाएगा, तो इसमें आपका वीडियो एक्टिव हो जाएगा। सेटिंग में जाते हैं ऑप्शन, तो सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे जनरल में तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, बीप जो आपका आपको चाहिए आपको वो सेट कर सकते हैं, एक स्टेयरिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं। नॉर्मली देखिए एलेक्सा ये इसमें अभी स्टेयरिंग में कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास स्टेयरिंग कंट्रोल है, तो वो भी आपका इसमें कनेक्ट हो जाता है, सेट कर सकते हैं। कई बार हैंग हो जाता है अगर आपका, तो फैक्ट्री रीसेट करके आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं आपका ये सिस्टम। एक्स्ट्रा बेस का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा बेस में आपको जैसे दो बेस का ऑप्शन है, एक बेस का ऑप्शन है, और ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको बेस नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। और साथ में देखिए ये सब ऊपर का ऑप्शन है, तो सब ऊपर में आपका मतलब अलग अलग आपके इसमें मोड दिए गए, रॉक, पॉप, बॉलीवुड, डांस, ये सब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसका इक्वलाइजर कर सकते हैं। और देखिए एक और ऑप्शन है फेडर का, मतलब आपका कौन कौन सा साउंड बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। खाली राइट वाला आप चेक करना है, तो राइट वाला सीधे कर सकते हैं, अगर बीच में रखेगा तो चारों आपका हिल पाएगा, और आप ऐसा अलग अलग चेक कर सकते हैं कि आपका राइट वाला बज रहा है कि नहीं, लेफ्ट वाला बज रहा है कि नहीं, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। क्रॉस ओवर में आप फ्रिक्वेंसी से उसके चेंज कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और इसमें फ़ोन कॉल साउंड कैसा चाहिए आपको, तो वॉल्यूम सेटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आपको साउंड में। और आपका देखो विजुअल में वॉलपेपर वगैरह आप सेट कर सकते हैं, डिमर वगैरह, मॉनिटर, जब आपका जब हेडलाइट ऑन रहे तो कैसा रहे, ऑटो रहे या मैनुअली आपको करना है, तो वैसा कर सकते हैं। और ये देखिए इल्यूमिनेशन लेवल भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, टच स्क्रीन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इस पर देखिए ब्लूटूथ की सेटिंग है, ये कैसे आपको रिसेट करना है या ऑन करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए अब YouTube ओपन करके देखते हैं कि YouTube कैसे ओपन होता है वेबलिंक के थ्रू। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वेबलिंक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल पे। लिंक आपका मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद क्या कीजिए, जो आपको जो केबल मिली है ना, आपको जो सिस्टम के साथ जो केबल मिली है, उसमें आपका जो ये जो केबल है आपकी, जैसे ये सी टाइप केबल लगती है इसमें, तो ये USB से सी टाइप में ही लग गया, और ये जो केबल है ये यहाँ पे लगेगी आपके। तो देखिए जो सिस्टम है, देखिए तुरंत में आपका एक्टिवेट हो जाते हैं, उसमें आप मिल जाते हैं देखिए आपको ऑप्शंस YouTube के। तो देखिए इसी से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप प्ले कर सकते हैं यूट्यूब। तो जो भी वायरल वीडियो इसमें स्टार्टिंग में आपको बताएगा, लेकिन अगर आपको इसमें YouTube में ही आपको अगर म्यूजिक सुनना है, तो आपको देखिए मैं NCS म्यूजिक लगा देता हूँ, नो कॉपीराइट, तो इसमें साउंड क्वालिटी भी कैसी आती है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए NCS का म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ मैं, इसकी साउंड क्वालिटी भी कैसी है वो आप देख लीजिए। तो काफी अच्छी म्यूजिक आ रही है, तो ऐसा आप YouTube चला सकते हैं।
देखिए हमारे जैसे हमारे खुद के जो वीडियो बने थे YouTube में, जैसे अगर आप कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो ऐसा वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो सॉन्ग या जो भी वीडियो, या मतलब जो भी आपको वीडियो देखना YouTube में ऐसे देख सकते हैं। जैसे हमारे एक ग्रैंड विटारा का एक वीडियो था तो ये इसमें प्ले हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मतलब स्मूथ चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हैंग हो रहा है या मतलब धीरे रुक रुक के चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा आप खुद जो भी म्यूजिक वीडियो जो भी है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको शायद ये वीडियो से पता तो चल गया होगा कि ये कैसे प्ले होता है आपका यूट्यूब वेब लिंक के थ्रू। ये वीडियो हम बहुत दिनों से बनाने वाले थे तो आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। और देखिए मोबाइल कैसे कास्ट होता है वो भी आपको बता देता हूँ। कास्ट करने के लिए आपको मोबाइल पे जाना पड़ेगा, मोबाइल पे जो आपका स्क्रीन कास्ट करके ऑप्शन मिलता है ना वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, वो सर्च करेगा, उसी पे बाद आप क्या कीजिए कास्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ओके कर दीजिए और यहाँ पे मोबाइल पे भी ऑप्शन आने लगेगा ये आपको कास्ट करना है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए तो मोबाइल पे आपको जो जो दिख रहा है ना मेनू वो सब आपको उसमें दिखने लगेंगे। तो देखिए मोबाइल कनेक्ट हो गया है तो मोबाइल के जो भी आपके मेनू है ना वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। व्हाट्सअप आप सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो मोबाइल पे कर रहे हैं। आपको ड्राइविंग में इजीली हो जाता है, मतलब आपको मोबाइल बार बार देखना नहीं होता, आप यहाँ पे स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं ना, अगर यहाँ से भी आप कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ ये टच स्क्रीन पे आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट ओपन हो गया, ये एक्सेस कर पा रहे हैं जो आप मोबाइल पे करते थे, ये देखिए आराम। तो देखिए इसमें आपका जब भी आप केबल से आप कनेक्ट करते हैं ना आपका फ़ोन, तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वेवलिंक की तरह आपको मोबाइल पे एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी म्यूजिक सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए आप एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी आपका सीधा ये ऐसा देखिए गूगल मैप डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो आपका गूगल मैप आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से मतलब आप सीधे फ़ोन स्क्रीन से ही आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको अगर कुछ भी आपको सर्च करना है तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो जाता है। तो इजीली होता है, आपको बार बार फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मस्ट चीज़ है, मतलब आपका मोबाइल सिस्टम है इसमें तो रहनी चाहिए आपका ये गूगल मैप, क्योंकि आपका अगर कहीं भी आप जा रहे हैं लोकेशन पे तो ये आप सामने ही देख सकते हैं, आपको बार बार फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये काफ़ी ये यूज़फुल फीचर है और ये हमेशा यूज कर सकते हैं। माइक्रोफोन का भी ऑप्शन है, आप अगर आपको बोलना है तो यहाँ पे बोल दीजिए टेक मी आउट टू लवासा। Navigating to Lavasa. By the way, next time you can also press and hold the mic button on your steering wheel to ask me anything. तो देखिए लवासा का इसमें गूगल मैप चालू हो जाता है। तो ऐसा है मतलब आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है और आप सीधा बोल दीजिए पुणे रेलवे स्टेशन। Alright, there's Pune 53 minutes away. Want to navigate there? देखिए इसमें आप पूछ रहा है आपको नेविगेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और साथ में देखिए आपके दूसरे मेनू भी मिल जाते हैं, यहीं से आप फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं और साथ में सेटिंग में आप चेक कर सकते हैं और साथ में आपको गूगल मैप तो है ही। तो ये सब वीडियो आपको शायद हेल्प करेगा, अगर आपके पास ये म्यूजिक सिस्टम है सोनी का तो आप ये वीडियो से देख के आप अपना गूगल मैप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपने सीखा कि एंड्रॉयड ऑटो कार कैसे प्ले होता है। तो देखिए हम लोगों ने एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले किया हमारे एंड्रॉयड मोबाइल पे, तो अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो आप एप्पल के जो आईफोन की जो केबल है यूएसबी केबल वो आप अपने फ़ोन आईफोन में लगाइए और वैसे ही आप एप्पल कार प्ले भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी आपका वेब लिंक होना चाहिए, तो आप उसमें मिरर भी कर सकते हैं, स्क्रीन मिरर भी कर सकते हैं, तो सेम फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और तब भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड कार प्ले से अगर आपको गूगल मैप चलाना है तो आप आराम से चला सकते हैं गूगल मैप, और साथ में आप जो फ़ोन है ना वो भी मिरर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो ये वेब लिंक तो मस्ट है, आपका वेब लिंक आपके फ़ोन में भी होना चाहिए, वेब लिंक के थ्रू ही आप यूट्यूब चला सकते हैं।
और देखिए सोनी के जो ये म्यूजिक सिस्टम के साथ हमें जो रिमोट मिला है वो इस टाइप का मिला है, तो आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं, आपका जो म्यूजिक सिस्टम है कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर ये है, तो इसका नॉर्मली ब्राइटनेस ज़्यादा रहता है, लेकिन जब हेडलाइट ऑन करेंगे ना तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। देखिए मैं हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ तो देखिए कम हो गया, और हेडलाइट बंद करूँगा तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है ये गाड़ी। अगर आप चला रहे हैं और इसको आपको पूरा ब्लैंक करना है, इसको ऑफ करना है स्क्रीन को, तो देखिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है स्विच ऑफ का, तो आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो आप पूरा स्विच ऑफ हो जाता है। चलिए अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो सोनी का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हमें मिला वो मिला शोरूम से 25,000 में, और JBL का जो 310 वॉट का स्पीकर मिला वो मिला 6,000 रुपीज़ में। मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि मैं सोनी का जो AX3200 है म्यूजिक सिस्टम उसके बारे में आपको बता सकूं, उसके फीचर्स के बारे में बता सकूं, उसके फंक्शन के बारे में बता सकूं, साथ में उसमें आपको एंड्रॉयड का ऑटो कार प्ले या एप्पल ऑटो कार प्ले एक्सेस कर सकते हैं, आप कैसे वेब लिंक के थ्रू यूट्यूब यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।